आज हम बात करने वाले हैं हमारे सोलर सिस्टम के एकमात्र ऐसे मून की, जहां धरती की तरह समुद्र और लेक्स मौजूद हैं, लेकिन इसकी झील में आप 5 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। जी हां, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं शनि के चांद टाइटन की। आखिर ऐसी क्या वजह है कि टाइटन की झीलों में केवल 5 सेकंड रहने से ही आप कॉन्क्रीट की तरह जम जाओगे? तो क्या है ये पूरी कहानी, जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। आइए शुरू करते हैं। टाइटन के बारे में जानने से पहले आपको शनि के बारे में जान लेना चाहिए। शनि हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है। असल में शनि एक जोवियन प्लैनेट है। अब जोवियन प्लैनेट का मतलब है कि ये पूरी तरह से गैस से बना है और इसके पास रिंग्स भी मौजूद है। वैसे हम आपको बता दें कि यूरेनस और नेपच्यून के बाद शनि एकमात्र ग्रह है जिसके पास रिंग्स हैं। साथ ही शनि के पास सभी प्लैनेट से ज्यादा मून भी मौजूद हैं। 2023 में शनि के पास 145 मून हैं, जिनकी संख्या सभी प्लैनेट के मून से भी ज्यादा है। टाइटन भी शनि का ही मून है, जो आजकल साइंटिस्ट के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोलर सिस्टम में मौजूद किसी भी ग्रह उपग्रह के पास वो कंडीशन मौजूद नहीं है जो टाइटन के पास है। टाइटन के अंदर मौजूद यही क्वालिटीज बार बार वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। असल में हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से धरती पर नहर, समुद्र और झीलें मौजूद हैं, वैसे ही टाइटन पर भी मौजूद हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जहां धरती पर मौजूद समुद्र, नहर और झीलें पानी से बनी हैं, तो वहीं टाइटन पर मौजूद ये सब लिक्विड की तो है, पर ये लिक्विड पानी नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद झील और नहरें लिक्विड एथेन और मीथेन से बनी हुई हैं। वैसे तो हम टाइटन के बारे में काफी पहले से जानते हैं, क्योंकि 25 मार्च 1655 को एक डच एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की खोज की थी। और फिर इसके लगभग 300 साल बाद 1944 में एक दूसरे डच अमेरिकी खगोल शास्त्री जेराल्ड काइपर ने टाइटन की एक ऐसी विशेषता बताई जो टाइटन को असाधारण बनाती है। असल में इन्होंने ही दुनिया को बताया था कि टाइटन के पास वास्तव में एक वायुमंडल मौजूद है जो टाइटन को सबसे यूनिक बनाता है। वैसे तो टाइटन धरती के सबसे करीब मौजूद मून है, लेकिन इसके बावजूद इसकी दूरी हमारी धरती से लगभग 1.2 बिलियन किलोमीटर है। अगर इस डिस्टेंस को और आसान भाषा में समझाएं तो आपके यहाँ एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर पहुंचने में भी यहाँ पर लगभग 7 साल लग जाएंगे। वैसे ये तो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आप फिर भी यहाँ तक सही सलामत पहुँच पाओगे या नहीं, क्योंकि टाइटन पर इतनी ज्यादा ठंड है कि आप पत्थर की तरह जम भी सकते हो या जलकर मरने के साथ साथ यहाँ पर दम भी तोड़ सकते हो। अब ये क्या बात हुई कि आप जम भी सकते हो और जल के भी मर सकते हो, मतलब ठंडा भी है और गर्म भी है, कैसे भैया? तो इतना टेंशन मत लो, आगे आप अभी सब समझ जाओगे। लेकिन चाहे जो भी हो, टाइटन है तो काफी यूनिक, और इसे सबसे ज्यादा यूनिक जो बनाता है ना, वो है इसका आकार। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये हमारे चंद्रमा से भी ज्यादा बड़ा है। और यही नहीं, ये हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसका एनवायरनमेंट थिक है। इसके अलावा टाइटन का सरफेस जो लिक्विड झीलों, नदियों और समुद्रों से ढका हुआ है, वो भी इसकी ऐसी खासियत है जिससे ये हमारे सोलर सिस्टम का ऐसी क्वालिटीज वाला एकमात्र मून बन जाता है। धरती से टाइटन तक पहुंचने में आपको लगभग 7 साल लगेंगे, लेकिन जब आप 7 सालों का सफर करके टाइटन पर पहुंचेंगे तो उसके बाद भी आप सीधे ही इसकी सरफेस पर लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी बताया ना आपको कि यहाँ पर नदियाँ, झील और समुद्र मौजूद हैं जो लिक्विड मीथेन से बने हुए हैं। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी के साथ एक पॉइंट चूज करना होगा जहाँ पर आप अपने स्पेसक्राफ्ट को बिना मीथेन में डुबोए लैंड कर सकें। वैसे अगर आप पहली बार टाइटन को देखोगे ना, तो आपको थोड़ी गर्मी जैसी फीलिंग आ सकती है, क्योंकि ये आपको थोड़े पीले और नारंगी रंग का दिखाई देता है। लेकिन वो सुना है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, आप भी इसके रंग पर मत जाइए, क्योंकि ये गर्म तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो इतना ठंडा है कि आपको लगेगा कि आप फ्रीजर के अंदर बैठे हो। जब आप अपने स्पेसक्राफ्ट से निकलकर टाइटन की सरफेस पर आओगे तो आपको बहुत ही हल्का फील होगा। इसका कारण है यहाँ मौजूद ग्रेविटेशन फोर्स। असल में बात ये है कि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स धरती का केवल 14% ही मौजूद है,
जिसकी वजह से आपको अपने आप में ही हल्का लगेगा। और अगर आप छलांग लगाओगे ना तो काफी ऊंचे भी जा सकते हो। लेकिन भले ही टाइटन का ग्रेविटेशन फोर्स हमारी धरती का केवल 14% है, पर फिर भी आप यहाँ चल सकते हो। मान लीजिए धरती पर अगर आपका वजन 57 किलो है तो टाइटन पर पहुंचकर आपका वजन केवल 10 किलोग्राम होगा, जिसका रीजन यहाँ के एनवायरनमेंट का थिक होना है। और केवल चल फिर ही नहीं सकोगे, अगर आपको मस्ती करना है और उछल कूद करना पसंद है तो यहाँ के ग्रेविटेशनल फोर्स की कमी की वजह से आप यहाँ बहुत ऊंची ऊंची छलांगें भी लगा पाओगे। टाइटन पर धरती से कम ग्रेविटी तो मौजूद है ही, बल्कि कम ग्रेविटी के अलावा आपको यहाँ धरती से ज्यादा ठंड भी देखने को मिलेगी। टाइटन के धरती से ज्यादा ठंडा होने का कारण टाइटन का सूरज से ज्यादा दूरी पर होना है। एक्चुअली टाइटन सूरज से बहुत दूर है, इस वजह से यहाँ सूरज की उतनी रोशनी नहीं आ पाती जितनी हमारी धरती पर आती है। यहाँ पर हमारी धरती की केवल 1% सनलाइट ही प्राप्त होती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ की ठंड कितनी जबरदस्त होती होगी। तभी तो यहाँ आपको -180°C के ठंडे टेम्परेचर का सामना करना पड़ेगा, जिससे बचने के लिए और इसमें खुद को गर्म रखने के लिए आपको एक स्पेस सूट की भी रिक्वायरमेंट होगी। वैसे अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन आप ऐसे ही मुंह उठाकर यहाँ पर नहीं जा सकते हो, क्योंकि आप यहाँ ऑक्सीजन टैंक और स्पेस सूट के बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ धरती की तरह नाइट्रोजन तो मौजूद है पर ऑक्सीजन नहीं। असल में यहाँ के एनवायरनमेंट में 95% नाइट्रोजन और 5% मीथेन है, जो आपके लिए सांस लेना असंभव बना देगी और हर एक सांस आपको चुनौती लगेगी। इसलिए स्पेस सूट के अलावा आपको टाइटन पर जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन टैंक की भी जरूरत पड़ेगी, जिसका रीजन यहाँ ऑक्सीजन का मौजूद नहीं होना है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ केवल नहरों और झीलों में ही मीथेन मौजूद है, असल में तो यहाँ के एनवायरनमेंट और बादल तक में भरपूर मीथेन की प्रेजेंस है। और केवल यही नहीं, कभी कभी तो यहाँ बारिश भी मीथेन की होती है। पर टाइटन की एक बात बहुत खास है कि यहाँ बारिश देखने लायक होती है। यहाँ बारिश बिल्कुल भी वैसी नहीं होती जैसी हमारी धरती पर होती है, बल्कि यहाँ की बारिश ऐसी लगती है जैसे कोई बॉलीवुड की मूवी चल रही है, जिसमें हीरोइन और हीरो डांस कर रहे हैं और स्लो मोशन में बारिश हो रही है। ऐसा यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स के कम होने की वजह से होता है, ये ही रीजन है कि यहाँ पर स्लो मोशन में बारिश होती है। वैसे सोचने वाली बात है कि झील, समुद्र, बादल और अब तो बारिश भी, यहाँ हर चीज में मीथेन है, तो फिर यहाँ पर कोई कैसे ही सर्वाइव कर सकता है। तभी तो टाइटन पर नाइट्रोजन और मीथेन का एनवायरनमेंट होने के कारण आपको यहाँ 5 सेकंड जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन टैंक की जरूरत पड़ेगी। तो अब तक तो हुई टाइटन पर लैंड करने और इसकी सरफेस पर उतरने की बात, चलो अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप यहाँ की झीलों में तैरने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ क्या होगा। वैसे अगर आपने स्पेस सूट पहना है तो आप इन झीलों में 5 सेकंड तक सर्वाइव कर सकते हो, वो भी तब अगर आपकी किस्मत के साथ साथ आपका स्पेस सूट भी अच्छा हो। लेकिन अगर आपका स्पेस सूट इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और यह फट गया तो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर मीथेन के साथ प्रतिक्रिया कर लेगा और आप वहीं पर जल जाओगे। एक और बात है कि यहाँ पर तैरना धरती के जितना सिंपल नहीं होगा, क्योंकि धरती पर मौजूद झीलों में जब आप तैरते हैं तो अपनी बॉडी से पानी को हटाते टाइम आपको बहुत हल्का लगता है, लेकिन टाइटन पर मौजूद झील में आप ऐसा नहीं कर पाओगे। यहाँ तैरने पर आपको लगेगा जैसे आप पत्थर के बने हुए हो, जिसका कारण यहाँ के एनवायरनमेंट का थिक होना है। लेकिन फिर भी आप 5 सेकंड से ज्यादा इस झील में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि पानी बहुत ठंडा और थिक होता है। साथ ही आपके यहाँ तैरने में कोई फन भी फील नहीं होगा, ना ही कोई मजा आएगा, क्योंकि ना तो आप किसी भी टाइप का मूवमेंट कर पाओगे और ना ही इंजॉयमेंट। वैसे इन झीलों की गहराई तो बहुत ज्यादा है, ये 300 फीट से लेकर 1000 फीट तक ही हो सकती है, पर आप ज्यादा गहराई में क्लियरली देख नहीं पाओगे, क्योंकि एक तो यहाँ पहले ही रोशनी काफी कम मिलती है और दूसरा झीलों में मौजूद ब्लैक माउंटेन आपकी दृष्टि को बाधित करेंगे। मगर चाहे जो भी हो, ये झील है बहुत बड़ी और यहाँ मौजूद क्राकन मारे झील तो कैस्पियन सागर और जापान से भी बड़ी है। इस झील का आकार लगभग 4,00,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको शनि के मून टाइटन के बारे में बताया।
साथ ही हमने बताया यहाँ मौजूद रहस्यमय झीलों के बारे में, जिनमें 5 सेकंड तक जिंदा रह पाना भी अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। वैसे आपकी टाइटन के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।